एमपीटीईटी वर्ग तीन से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण अपडेट है। लोक शिक्षण विभाग ने अब जो है जो इसकी मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर को जारी होनी थी उसकी तारीख अब बढ़ गई है और कहा जा रहा है, अब संभावना जताई जा रही है 30 दिसंबर तक ये मेरिट लिस्ट जारी होगी और तकनीकी खराबी के कारण इसको रोकना पड़ा है। पत्र आपको नजर आ रहा होगा, लोक शिक्षण आयुक्त का निर्देश वाला, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट किन्हीं कारणों से रोकी गई है, इसे अब 30 दिसंबर तक अपलोड किया जा सकता है। और जो आपको बता दें, उम्मीदवार पोर्टल mponline.gov.in को देख सकते हैं। इससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट रोके जाने की सूचना जारी की गई थी, इसमें कहा गया था कि कुछ कारणों से मेरिट लिस्ट रोकी जा रही है, आगे की प्रक्रिया जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया आपको बता दूं 17 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों से 17 से 24 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराया गया। प्रदेश में 18,527 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके लिए करीब 2,00,000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। भर्ती परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कराई थी। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है और सभी को नियुक्ति के आदेश मिल जाएंगे। आपको बता दें कि 11 साल बाद ये भर्ती हो रही है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दिसंबर 2022 में उम्मीदवारों से फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन उसके बाद कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की वजह से ये परीक्षा टलती गई। ये परीक्षा 11 साल बाद हुई। पहले सिर्फ भर्ती परीक्षा की गई थी लेकिन पद नहीं दिए गए थे। बाद में इसमें 18,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। और आपको ये भी बता दूं, पीईबी की तरफ से आयोजित परीक्षा के लिए करीब 8,00,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। इनमें से करीब 5,90,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। 8 अगस्त को रिजल्ट जारी किया गया था। दिसंबर के अंत यानी नए साल से पहले अब सबको नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना है। और ये भी बता दूं प्रक्रिया कैसे होगी। दो विभाग एक साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पासिंग मार्क 60 से घटाकर 50 कर दिए। संशोधन के बाद रिजल्ट तैयार करके ये भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की गई। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा साइकिल काउंसलिंग का इसमें काम किया जा रहा है। अलग अलग काउंसिल जो हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि टीईटी वर्ग 3 से जुड़े अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये जो लिस्ट है 8 दिसंबर को जारी होनी थी, अब ये 30 दिसंबर तक जारी होगी, लेकिन लगातार इन अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है के जो है इनमें पद वृद्धि की जाए। लेकिन इस बीच अपडेट ये आया कि जो जिनकी लिस्ट आनी थी अभी, वो लिस्ट अब बढ़कर दिसंबर के आखिरी महीने में आएगी। भोपाल से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता इजहार हसन खान ने। आप देखते रहे एमपी तक।